छोड़ दिए, इनकी बेटी, इनका दामाद छोड़ दिए, इनको और एक बेटा छोड़ दिया। मैं जाके घर पे घुट्टे में बात कर रहा हूँ, लोग घर पे नहीं रखते, बोले उल्टा अगर लाके हमारे घर के नहीं छोड़े तो हमारे ऊपर ही कंप्लेंट देते बोले तो। अस्सलाम वालेकुम, आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बवाजिर। आज एक 65 ईयर की एक लेडीज थे और उनके साथ बेटा था, पीली दरगाह के आगे हरी दरगाह में लाके छोड़ दिए, इनकी बेटी, इनका दामाद छोड़ दिए, इनको और एक बेटा छोड़ दिया। मैं जाके घर पे घुट्टे में बात कर रहा हूँ, लोग घर पे नहीं रखते, बोले उल्टा अगर लाके हमारे घर के नहीं छोड़े तो हमारे ऊपर ही कंप्लेंट देते बोले तो। मैं क्या करा, हेल्पलाइन है इनका जो तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से इनको कॉल करा, इन्हों आए, इन तीनों भी गैर मुस्लिम मेरे भाई हैं। आके इन लोग लेडीज को देखे, उनकी हालत देखे, एक पैर से हाथ से माजूर है, उन्होंने पालिश मारी। फिर इमीडिएटली मैं चंद्रान गुट्टा पीएस वर्मा साहब को फोन करा, वर्मा साहब लेटर दिए, हम पुलिस स्टेशन आए, वो लेडीज को और उनके बेटे को हम होम को भेज रहे हैं। हम इन लोगों का शुक्रिया अदा करते, जहाँ भी ऐसे औरतें रहेंगे उनको देखना चाहिए। और मैं खास कर ये मैसेज के जरिए बोलना चाह रहा हूँ, किसी के भी माँ बाप को किसी की बेटी ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको अम्मा बहुत मुश्किलों से पालती है आपको। आज आप रोड पे आपकी अम्मा को छोड़ दे रहे हैं, आप रोड पे आपके बाप को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आपको एहसास नहीं है। ये एहसास लाइए, नहीं तो आपकी औलाद आपको भी रोड पे ऐसी बर्बाद करके रोड पे छोड़ देंगी। ये जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इंशाल्लाह जो भी रोडों पे दिखेंगे उनकी हेल्प करना, मदद करना। मैं ये भाइयों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग भी इनके लिए दुआ करिए जो इतनी मुश्किल से आके हम लेडीज को लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। काम कर लो, अम्मा को देख लो, इन्हों खाना पीना खिलाना सब दे दे, कर लेता सर। हाँ आराम से, कोई मसला नहीं, मैं भी क्या है ऐसे कामा करते रहता हूँ, ज़्यादा सोशल वर्क करता हूँ, यूट्यूब फेसबुक पे ही मारे तो मेरा मिल जाता। बात करने भी नहीं आ रहा यार, आप बात करो के लिए। हाँ, अच्छा हमारी बहन क्या करती है, उन्होंने चार मीनार में काम करते थे, बिग शॉप पे रोज खाना साला खूब ला के देते थे। अचानक आते आते क्या हुआ क्या नहीं, उनके चलने आ रहा ना पाँच साल से देख लिए, मगर आप क्या हुआ फिर, कहीं को अकाल दिया बाहर, एक रीजन रहता ना तो उन्होंने क्या बोल रहे मालूम, हमारे बच्चे बड़े हो गए, शादी होने वाले हैं, तो कहीं ऐसा आपका बाइक आ रहा था भाई, यहाँ पर बात करा, इनका दामाद बढ़ रहा, मेरे बच्चियाँ नहीं उठ रहे घर से, इनकी अम्मा को मेरी सास को कर रखा या मेरी बीवी रखी, तो मेरे घर में बच्चियाँ हैं, शादियाँ नहीं कर रहे कौन भी, ऐसे है बोल के बोल रहा हूँ। पाली अम्मा बेटी को इतना बड़ा करिए, बेटी ऐसा बोली क्या कर दे, बेटा देखे तो पीरा नहीं, उन्हें नहीं मिल रहा, कर लिया कोशिश सुबह से नहीं मिल रहा, गाड़ी पे डाल के लेके गया इसको बिठा के, मैं पूरा हाँ वहाँ गया, मैं इसके सास के इनके बेटी के घर पे गया, जाके बात करा, उन्हें दामाद किराए का घर नहीं रखते, बोरे घुटते पर रखते भाई, जहाँ से लाए वहाँ छोड़ दो आप, लाइट के ऊपर अपन जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, अब इन्हों जाने रेडी है, इन्हों खुद सुबह से बोरे चले आती हूँ, मम्मी देखने वाले हैं, बोल्डे जम्पू मारा लेके चले आते, सब लोग आए लेटर दे रहे हैं, वर्मा साहब लेटर दे रहे हैं, सब लोगों को भेजे हो जाता, आप हम आप जाते हैं ना, खाना मिलता पानी मिलता सब मिलता, ठीक है ना, नहीं पा रहा तुम्हारे को, नहीं पा रहा नहीं,
अपने पीना खाना कर रहा। और ये भाई नहीं पाल रहा, क्या कर रहा वो पीरा? तो ठीक है लेके जाते हैं, अच्छा देखते हैं क्या हाल क्या वहाँ। आज मारे पालिश मारी हाथ को पैर को पालिश मुंह को मारे मतरो 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 अरे और रो रहे बहुत रो रहे हम। केड़ा ना करो फोन स्टेट रखो मतरो अम्मा मेरे सुनो हम है संभाल दे ऐसा लेना हां नहीं दवा खा लिया दे आपको बेफिक्र हो मतरो 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 आपको आराम से आप टेंशन रखो लियो मैं नहीं रो ना आए अच्छा काम करे सईद भाई हां ठीक है बेफिक्र हो ले आप ले टेंशन रखो नहीं साहब लेके आ दो फोटो कैसे आ इसको